डीएनए रिपेयर जो है वो कई तरीके के रिपेयर को आप शो कर सकते हैं। तो डीएनए रिपेयर को अगर मैं क्लासिफाई करूंगा तो डीएनए रिपेयर को जो है मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ पहले तो एरर प्रोन और एरर फ्री में, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर मेरे पास जो है वो डीएनए रिपेयर को मुझे समझ, तो मैं रिपेयर को जो है वो दो कैटेगरी में जो है क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक कैटेगरी में शो करूंगा एरर फ्री रिपेयर को शो करूंगा, ठीक है, और एक कैटेगरी आप क्या शो करोगे, एरर प्रोन रिपेयर को शो करोगे। और अगर एरर प्रोन की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या हुआ होगा, डैमेज बाईपास हुआ होगा या डैमेज का रिवर्सल या रिमूवल हुआ है, डैमेज बाईपास हुआ और डैमेज बाईपास हुआ। अब जब मैं इस प्रोसेस को एरर फ्री और जो है एरर प्रोन को आपको यहां शो कर रहा हूं रिपेयर के सिस्टम में, तो एरर प्रोन में जो है वो दो मेजर पाथवे है। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में आप जो है वो शो करते हो सॉस रिपेयर पाथवे का, आपने नाम सुना होगा, और यूकैरियोटिक सिस्टम में जो आप शो करते हो वो आप मेंशन करते हो NHEJ, सुना है, नॉन होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग, ठीक है। ये दोनों ही कैसे है, वो एरर प्रोन है, जिसमें कि डैमेज को क्या किया जा रहा है, बाईपास किया जाता है, डैमेज को जो है बाईपास करके, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक और है जिसमें एरर फ्री है, और जब मैं एरर फ्री की बात कर रहा हूं तो इसमें डैमेज क्या होगा, डैमेज जो है या तो रिवर्स हो रहा होगा या तो डैमेज जो है वो क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। तो इन्हीं के बेसिस पे मैं दो कैटेगरी में इनको क्लासिफाई कर रहा हूँ, कि एक कैटेगरी को मैं मेंशन कर रहा हूँ दैट इज डायरेक्ट रिपेयर, और दूसरी कैटेगरी को जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो है आपके इनडायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर का मतलब है कि इसमें कोई भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं हो रहा, और जब कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं हो रहा है तो इसमें जो डैमेज है वो क्या हो रहा होगा, डैमेज जो है वो रिवर्स हो रहा है, ठीक है, डैमेज रिमूव नहीं हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, वापस जो है वो रिवर्स हो जाए। अब रिवर्स हो रहा है तो इसके दो मैकेनिज्म है। अब जो मैं यहाँ पे म्यूटेशन के तौर पे एक म्यूटेशन को डाइमर फॉर्मेशन के तौर पे शो कर रहा हूँ और एक एल्काइलेटेड डीएनए, अगर डीएनए में कहीं पे थाइमिन का डाइमर जैसे फॉर्मेशन हो जाए, अच्छा थाइमिन का डाइमर फॉर्मेशन जो है किसके रेडिएशन की वजह से हो रहा था, यूवी रेडिएशन की वजह से, याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो डाइमर का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उस जो है डाइमर के फॉर्मेशन को बेसिक तौर पे हटाने वाला जो एंजाइम है वो है डीएनए फोटोलाइज, और ये जिस प्रोसेस से जो है हटाता है उस प्रोसेस को आप क्या मेंशन करते हो, फोटो रीएक्टिवेशन शो करते हो। और अगर किसी डीएनए में एल्काइलेशन आ गया, जैसे गुआनीन के सिक्स पोजिशन पे आप एल्काइलेशन शो करते हो, ओ सिक्स मिथाइलेशन अगर याद आ रहा हो तो, करते हैं ना, तो अगर ओ सिक्स एथाइलेशन या ओ सिक्स मिथाइलेशन जैसे ईएमएस आपने ट्रीट किया था तो ओ सिक्स एथाइलेशन आपके पास चला रहा था, अगर ऐसे को आपको इनसे ग्रुप्स को हटाना हो तो आप क्या शो करोगे, इनके जो एंजाइम्स है वो होते हैं एटी, एटी का मतलब है एल्काइल ट्रांसफरेजेस, और ये जो एल्काइल ट्रांसफरेजेस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, इनको आप मेंशन करते हो एमजीएमटी या तो ईजीईटी। एमजीएमटी का मतलब है कि मिथाइल गुआनिन मिथाइल ट्रांसफरेजेस, मतलब ये मिथाइल गुआनिन से मिथाइल को ट्रांसफर कर रहा है, और ईजीईटी का मतलब एथाइल गुआनिन एथाइल ट्रांसफरेजेस, ये एथाइल ग्रुप को करेगा। तो अगर मिथाइल ग्रुप को रिमूव करने वाला जो एंजाइम है वो एमजीएमटी होगा, और एथाइल ग्रुप को रिमूव करने वाला जो एंजाइम होगा वो आपका ईजीईटी होगा। तो ये दोनों का दोनों जो मैं एंजाइम को शो कर रहा हूं अगर मैं मेंशन करूं, तो आप चाहे एल्काइल ट्रांसफरेजेस की बात कर रहे हो या डीएनए फोटोलाइजेस की बात कर रहे हो, ये दोनों के दोनों जो एंजाइम्स है ये डायरेक्ट रिपेयर पाथवे में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर मैं डायरेक्ट रिपेयर पाथवे को शो कर रहा हूं तो डायरेक्ट रिपेयर पाथवे जो है ये डैमेज रिवर्सल कर रहा है या डैमेज रिमूवल कर रहा है, डैमेज को रिवर्सल कर रहा है, ठीक है, ये चीज मैं सोचा। तो अगर मैं डीएनए फोटोलाइज की बात करूं, एल्काइल ट्रांसफरेजेस की बात करूं, और इनसे पूछूं कि ये कौन सा फिनोमिना परफॉर्म करते हैं, तो ये कौन सा फिनोमिना परफॉर्म करेंगे, डैमेज रिवर्सल या डैमेज बाईपास या डैमेज रिपेयर, डैमेज रिवर्सल शो करेंगे, ठीक है। अब जो मैं एरर फ्री में जो है इनडायरेक्ट रिपेयर की बात कर रहा हूँ, और मैं इनडायरेक्ट रिपेयर के ऊपर जब चर्चा करूं तो इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है, और ब्रेक करके डैमेज को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो रिमूव किया जा रहा है, डैमेज को रिमूव किया जा रहा है, डैमेज वहां पे रिवर्स नहीं हो रहा है, डैमेज बाईपास नहीं हो रहा, डैमेज को हटा ही दिया जा रहा है, उसकी जगह पे नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है। अब जब डैमेज को हटाया जाता है तो इसमें कौन से ब्रेक को रिपेयर किया जाता है, ऐसे ब्रेक ज्यादातर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ के होते हैं, तो अब जो बॉन्ड टूट रहा है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड बॉन्ड टूट रहा है या दोनों स्ट्रैंड जो है ब्रेक हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको SSBR बोला जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर को बोलते हैं SSBR मेंशन करते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर को क्या बोलते हो, DSBR शो करते हैं।
अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर भी हो सकते हैं या SSBR सिंगल डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर भी हो सकते हैं। अब सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर में आपके पास कई सारे, जिसमें आप एक्सीजन रिपेयर को शो करते हो, मिसमैच रिपेयर को शो करते हो, या आप रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर को शो करते हो। अब इसमें एक्सीजन रिपेयर है, एक्सीजन का मतलब आप यहाँ पे रिमूव कर रहे हो, तो रिमूव किस चीज का कर रहे हो? जो एक्सीजन रिपेयर या इनडायरेक्ट रिपेयर की बात करो, जहां पे आप रिमूव कर रहे हो, इनडायरेक्ट रिपेयर को आप एक्सीजन रिपेयर भी कर सकते हो, जहां पे आप रिमूव कर रहे थे। तो उस एक्सीजन में आप न्यूक्लियोटाइड को एक्साइज करो, मतलब आप न्यूक्लियोटाइड को कर रहे तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, और अगर आप बेस को एक्सीजन करो, मतलब बेस को रिमूव कर रहे तो आप उसको बोलेंगे बेस एक्सीजन। तो न्यूक्लियोटाइड और बेस एक्सीजन रिपेयर के पाथवे आ जाएंगे। इसके अलावा जो मिसमैच मैंने शुरू में मेंशन किया था कि मिसमैच हो सकते हैं, उस मिसमैच को रिपेयर करने के लिए आपके पास मिसमैच रिपेयर आ जाएगा, और सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर को रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर से भी जो है वो बेसिक तौर पे परफॉर्म किया जा सकता है। मैं रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर को जो है वो रिकॉम्बिनेशन के साथ ही जो है डिस्कस करूँ। और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर में आप यहाँ पे दो चीजों को शो करें, एक आप शो करें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, अगेन ये रिकॉम्बिनेशन के साथ ही आएगा, जो कि एक एरर फ्री जो है वो रिपेयर होता है। और जैसा मैंने बोला था कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर जो कि यूकैरियोटिक में इसे किससे किया जाता है, NHEJ से, और ये NHEJ जो है दिस इज नॉट एरर फ्री, ये क्या है, एरर प्रोन है। तो ध्यान रहे कि ये एक एरर प्रोन होता है। और जो है जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में आप DSBR और SDSA को शो करते हैं। अब ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या है, NHEJ क्या है, इन सब के बारे में रिकॉम्बिनेशन में डिस्कस किया जाएगा। मैं ब्रॉडर लेवल पे अगर यहाँ पे रिपेयर पाथवे में जो डिस्कस करूंगा, पहले तो डायरेक्ट रिपेयर को एक्सप्लेन करूंगा मैं, और डायरेक्ट रिपेयर में मैं डाइमर के फॉर्मेशन को कैसे रिपेयर किया जा रहा है DNA फोटोलाइज से वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर एल्काइलेटेड DNA को कैसे AT से रिपेयर किया जा रहा है वो डील करूंगा, एंड आफ्टर दैट जो है वो इनडायरेक्ट रिपेयर की जब बात करेंगे तो उसमें मैं सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर में एक्सीजन और मिसमैच रिपेयर को जो है कवर अप करूंगा, और साथ में जो है एरर प्रोन में मैं सॉस रिपेयर को जो है कवर अप करूंगा। ये सारे जो है रिपेयर में आएंगे, और बाकी के जो रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर है, यानी रिकॉम्बिनेशन में चाहे वो SSBR हो, चाहे DSBR हो, चाहे NHEJ हो, इनकी बात जो है हम बेसिक तौर पे रिकॉम्बिनेशन के साथ ही करेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बताओ कि अगर मैं बेस एक्सीजन रिपेयर की बात कर रहा हूँ, अब मिसमैच रिपेयर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है कौन क्या कर रहा है, ये मैकेनिज्म आपके माइंड में क्लियर हो रहा है, यस और नो? तो जरा जरा ध्यान देने की कोशिश करना। अगर मिसमैच रिपेयर कर रहा है, देखो मिसमैच रिपेयर किया जा रहा है मतलब यहाँ पे जो है मिसमैच को ठीक किया जा रहा है, रिमूव करके ठीक किया जा रहा है, तो आप इसमें जो प्रोसेस आप शो करोगे, डैमेज का जो रिस्पॉन्स आप शो करोगे, वो क्या शो करोगे रिस्पॉन्स के तौर पे, रिमूवल रिवर्सल या बाईपास? यहाँ पे डैमेज का जो रिस्पॉन्स शो करोगे, डैमेज रिमूवल शो करोगे, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं फोटो रीएक्टिवेशन शो कर रहा हूँ, मतलब जो है थायमिन डाइमर को वापस से रीएक्टिवेट कर रहे हैं, इसमें आप, तो ये क्या है, डैमेज रिवर्सल। अगर मैं बेस की एक्सीजन कर रहा हूँ, मतलब बेस को रिमूव कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा जो है वो रिस्पॉन्स रिमूवल शो करूँ? अगर मैं न्यूक्लियोटाइड के एक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो ये भी कौन सा रिस्पॉन्स है, रिमूवल है, डैमेज रिमूवल। अगर मैं डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर की बात करूँ, ये भी जो है रिमूवल होगा, लेकिन अगर मैं ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस की बात करूंगा, तो ये क्या है, बाईपास है। अब कौन सा जो है वो रिपेयर मैकेनिज्म कौन से डैमेज रिस्पॉन्स के ऊपर काम कर रहा है, ये दिमाग में क्लियर है इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब डैमेज रिस्पॉन्स तो आपके माइंड में क्लियर हो गया, लेकिन अब कौन से डैमेज पे कौन सा रिपेयर काम करेगा, ये भी तो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि विच जो है, अगर मैं रिपेयर को शो कर रहा हूँ तो चलो ठीक है, मैंने रिपेयर पाथवे में क्लासिफाई करके तो आपको समझा, लेकिन अब मिसमैच रिपेयर कौन से डैमेज के लिए काम करेगा, किस डैमेज पे कौन सा रिपेयर पाथवे ऑन होगा, वो जरा दिमाग में रख लो। तो मैं यहाँ पे जो है मिसमैच रिपेयर में अगर मेंशन कर रहा हूँ, तो मिसमैच रिपेयर में रिप्लीकेशनल एरर्स जो होते हैं, रिप्लीकेशन के दौरान जो एरर हो रहे होते हैं, यानी रिप्लीकेशन के दौरान जब DNA पॉलीमरेजेस जो है वो स्किप करके चला जाता है गलती करके, तो उसके पीछे पीछे कौन दौड़ के आ रहा होता है, वो है आपके मिसमैच रिपेयर। तो मिसमैच रिपेयर जो होते हैं वो रिप्लीकेशनल एरर को जो है वो बेसिक तौर पे क्या करते हैं, ठीक करते हैं। जो फोटो रीएक्टिवेशन प्रोसेस होता है, ये कौन से जो है डैमेज के ऊपर काम करते हैं, पिरिमिडीन डाइमर के ऊपर। और अगर मैं पिरिमिडीन डाइमर में मोस्ट कॉमन डाइमर को शो करूं, तो वो कौन सा डाइमर है, थायमिन। और अगर मैं थायमिन और थायमिन के डाइमर में शो करूं, तो कौन सा जो है, पिरिमिडोन है या साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है। अब मैं बेस एक्सीजन की बात करूं, तो बेस एक्सीजन जो होते हैं ये कब काम करते हैं, जब बेस क्या हो, डैमेज हो। जब बेस डैमेज हो, तो उस केसेस में बेस एक्सीजन रिपेयर करते हैं।
ठीक है। अब डैमेज जो है वो डीएमिनेशन से हो रहा है, डीप्यूरिनेशन से हो रहा है, जो है वो ऑक्सीडेटिव डैमेज से, कोई भी डैमेज हो सकता है, लेकिन बेस यहाँ पे डैमेज है, यहाँ पे मिसमैच नहीं है। रिप्लिकेशन एरर में मिसमैच के तौर पे आप यहाँ पे शो कर रहे हो जहाँ पे मिसमैच है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपको डैमेज बेसिस नजर आ रहा है। थोड़े थोड़े अंतर है चीजों में। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में देखो, जो पिरिमिडीन डाइमर फोटो रिएक्टिवेशन से ठीक हो जा रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जो उससे ठीक नहीं होंगे वो एनईआर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में जाएंगे, या पिरिमिडी डाइमर शो कर सकते हो, या दूसरा क्या है बल्की एडक्ट्स ऑन द बेस, जो फोटो प्रोडक्ट्स होते हैं या बल्की एडक्ट्स होते हैं, अगर बेसिस पे जो है कुछ ऐसे डैमेजेस क्रिएट हो गए बेसिस पे, तो उन बल्की एडक्ट्स जो बेसिस पे होते हैं उनको भी न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर काम करता है। डीएसबीआर में नाम ही पता है कि वो किस डैमेज को करेगा, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को। और जो ट्रांसलेशन सिंथेसिस होते हैं, ट्रांसलेशन सिंथेसिस पिरिमिडीन डाइमर जो है, या ए प्यूरिनिक साइट है, या बल्कि एडक्ट्स है, ये सब जो है वो ट्रांसलेशन सिंथेसिस के ऑन कर लो। तो ये बात समझ में आ रही है कि कौन सा डैमेज किसको जो है रिपेयर कर रहा है। अगर मैं मेंशन करूं रिप्लिकेशन एरर के लिए तो मिसमैच, थायमिन डाइमर के लिए तो फोटो रिएक्टिवेशन, डैमेज बेस के लिए तो बेस एक्सीजन, बल्कि एडक्ट्स एंड पिरिमिडीन डाइमर तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर, और ये पिरिमिडीन डाइमर, ए प्यूरिनिक साइट या बल्कि एडक्ट्स ऑन द बेस, इसके लिए ट्रांसलेशन सिंथेसिस। तो किस डैमेज पे काम कर रहा है और कौन सा रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब इसके आगे एक इन्फॉर्मेशन शो किया गया कि कौन कौन से मेजर एंजाइम्स हर पाथवे में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जैसे अगर हम चर्चा करें तो इन द केस ऑफ मिसमैच रिपेयर, यहाँ पे आपको म्यूट एस, ठीक है, म्यूट एल, म्यूट एच, ये सब प्रोटीन्स होते हैं, जबकि यूकेरियोट में इन्हीं के जैसे एमएसएच, एमएलएच, पीएमएस जैसे पाए जाते हैं, वो मिसमैच रिपेयर के। फोटो रिएक्टिवेशन जो है वो देखो डीएनए फोटोलाइज करता है। बेस एक्सीजन रिपेयर में जो एंजाइम होता है वो है ग्लाइकोसाइलेज, और ग्लाइकोसाइलेज के साथ और भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एपीई, एपी एंडोन्यूक्लिएज, जैसे कि एपी लाइएज, ये होते हैं, ये सब एंजाइम्स आप शो करते हैं। और इसके बाद जो है पॉलीमरेजेस वन और लाइगेजेस तो लगभग चाहिए चाहिए, जितने भी फॉस्फोडाइस्टर ब्रेक वाले हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में जो है वो यूवीआर प्रोटीन्स होते हैं, यूवीआर ए बी सी डी, और ह्यूमंस में एक्सपी सी ए डी एच, जो है ERCC, ये सब है। इसके अलावा जो है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर में रेक ए और रेक बी सी डी होते हैं आपके इकोलाई में, और साथ में जो है SPU11, MRX, ठीक है, रैड प्रोटीन, ये होते हैं यूकेरियोट में। और ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में वाई फैमिली के डीएनए पॉलीमरेजेस जैसे UMUC और UMUD, जिसे आप पॉलीमरेज फिफ्थ बोलते हो, और साथ में कौन होगा पॉलीमरेज फोर्थ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डिन बी जीन बोला जाता है, डिन बी जी से सिंथेसाइज होता है। तो ये जो है आपके वाई फैमिली या ट्रांसलेशन के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है कि कौन से रिपेयर में कौन सा डैमेज का रिस्पॉन्स जो है वो होगा, और डैमेज का रिस्पॉन्स हो रहा है तो किस डैमेज पे होगा, और कौन से जो है प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बताओ जरा सर, अगर ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है तो। ये दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इन्होंने जो है कुछ मैकेनिज्म को शो किया है और उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपको शो करना है। ऑप्शन क्या होगा, देखो अब यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही कि आपके पास जो ऑप्शन होना चाहिए वो दिख रहा है, और वो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो जब आपके पास आंसर दिख रहा है तो आप बता ही दो, ठीक है। तो अब ये केसेस जो है मैं अगर शो करूं तो इसमें देखो डैमेज बाईपास की बात करो, और बाईपास का मतलब है कि डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो पहले का जब सी आप मैच करोगे तो फर्स्ट का सी आप मैच करोगे तो वो जो है सी में है और डी में है। और अगर मैं डैमेज रिवर्सल की बात करूं तो इसमें दो ही एंजाइम थे, डीएनए मेथाइल ट्रांसफरेजेस या एल्काइल ट्रांसफरेजेस और फोटोलाइजेस। तो ये जो है सेकेंड का ए होगा, और जो रिमूवल की बात करें उसमें ग्लाइकोसाइलेजेस है। तो इस तरीके से जो आंसर को आप शो कर सकते, ठीक है। अभी मैंने सब कुछ बताया कि कैसे क्या है, लेकिन सेम इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ सेकेंड्स पहले बताए जाने के बावजूद भी आप जो है गलत आंसर दे कर रहे हो, तब सोचो कि आपके दिमाग में रिटेन करने की क्षमता जो है कितनी है, ठीक है।
इसके आंसर लोग डी बता रहे हैं, मतलब मैं लिटरली मुझे जो है करीब 10 लोगों ने जवाब दिया, उसमें से ज्यादातर लोग डी बता रहे। अब डी बता रहा है तो कितना जो है क्या बोलूं मैं, मतलब मेरे पास जो है डांटने लायक भी आप वो नहीं छोड़ते हो, आपको जैसे होता ना लेवल होता है कि बेइज्जती करनी चाहिए डांटना चाहिए, वो भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो मतलब आप बर्बाद हो चुके हो, ठीक है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है जिंदगी में। ये क्वेश्चन ये है, जरा देख, ये इंफॉर्मेशन भी बताया मैंने। अगर आपको बताने के तुरंत बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप 4 महीने बाद कैसे इस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पॉसिबल ही नहीं। देखो मैं अगर यूवीआर एबीसी को शो कर रहा हूं तो यूवीआर एबीसी का मतलब मैं किस रिपेयर पाथवे की बात कर रहा हूं, जो है वो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मिसिंग बेसिस पे काम करेगा नहीं करेगा, ये क्या स्ट्रैंड ब्रेक करता है नहीं करेगा, क्योंकि जो स्ट्रैंड ब्रेक का जो काम करता है वो क्या काम करता है, वो डीएसबीआर काम करता है। मिसिंग बेसिस पे जो काम करता है वो काम करता है बीईआर, बेस एक्सीजन रिपेयर करता है, ठीक है, और क्रॉस लिंक करता है स्ट्रैंड को, ये बेसिक तौर पे करता है एनएचईजी, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। एंड डीएनए डैमेज कॉज्ड बाय द बल्की केमिकल एडक्ट्स, यही तो एनईआर का था, पिरिमिडिन डाइमर और बल्की एडक्ट्स, इसका आंसर जो है वो आपका एनईआर। ये जो मैं शो किया हूं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन देखोगे ना तो यहाँ पे जो है देखो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में जो यूवीआर प्रोटीन थे वो बल्की एडक्ट्स के ऊपर, ये टेबल जो है वो आपको भले ही जो है वो सस्ता टिकाऊ लग रहा है लेकिन उससे क्वेश्चन जो है काफी कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है।